भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर सूरज कुंड स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साहस और पराक्रम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई शक्ति प्रदान की। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने करिश्माई नेतृत्व से देश की युवा शक्ति को संगठित किया। संपूर्ण राष्ट्र नेताजी के पराक्रम और अविरल संघर्ष के लिए सदैव ऋणी रहेगा। हम सब उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए हम सभी नेताजी के बताए मार्ग का अनुसरण करने हेतु संकल्पित हों। इस अवसर पर भाजपा के महानगर महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, ब्रजेश मणि मिश्र, रमेश चंद्र गुप्ता, महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, पार्षद आरती पद्मा गुप्ता सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा के, भारत माता के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस समर रहे, उस पर अर्पित कर याद किया है, श्रद्धांजलि सदा सुमन अर्पित किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भर के डिप्टी मेयर रहे सम्मानित चिरंजीव चौरसिया जी, हमारे भारतीय महामंत्री दिलेश श्रीवास्तव जी, शशिकांत सिंह जी, ओबीसी मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता जी, रामपाल जी, मीना श्रीवास्तव जी, पद्मा जी, मीना श्रीवास्तव जी, श्वेता श्रीवास्तव जी, सनी चाहानी, अंशु गुप्ता जी, राम भोला सिंह जी, रानू सिंह जी, नवनीत त्रिपाठी जी, श्रवण पटेल जी, शिवेंद्र मिश्रा जी, गिरधारी जी, दीपा पांडे जी, त्रिलोकी नाथ जी, राहुल गिरी जी, सुजीत गुप्ता जी, अजय जायसवाल जी, मुकेश गुप्ता जी, कुशुप्रता जी, आरती सिंह जी, अभिषेक शर्मा जी, विपुल त्रिपाठी, मुरली मनोहर जी, विशाल जायसवाल जी, कृष्णपाल यादव जी, संदीप, हमारे यहाँ पर मंडल अध्यक्षगढ़ पार्टी के सभी, भारत मां रत्न गर्भा, और पूरी दुनिया में ऐसा नेतृत्व नहीं पैदा हुआ होगा जिन्होंने देश की खातिर विदेश में जाकर के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन, क्रांतिकारियों का पूरा जीवन, और अगर 1947 में इस देश से अंग्रेज भागने को विवश हुआ तो उसके नियम में जहाँ सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का ये बड़ा योगदान था। मां ने कहा को चित्र मेरे बेटे का था जिसने देश के लिए अपनी शहादत दी थी, और इसलिए आज मैं अपने मंगल सूत्र को इस यहाँ पर रखी हूँ ताकि आप हिटलर ने कहा कि मैं 8 करोड़ लोगों का नेता हूँ, हिटलर, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय 40 करोड़ भारत की आजादी थी, भारत की आबादी थी। हिटलर ने कहा कि मैं 8 करोड़ लोगों का केवल नेता हूँ, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों के नेता। आज 23 जनवरी है, पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम मना रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। दुनिया में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं जो इस देश के बाहर जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी फौज, आज़ाद हिंद फौज की को खड़ा करके देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को पूरा देश नमन कर रहा है, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। उसी क्रम में यहाँ पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर सूरज कुंड में यहाँ पर यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने मिलकर के कार्यक्रम का आयोजन किया था।
मैं सौभाग्यशाली हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के उनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है।